फायर बैन होने के बाद टोटल गेमिंग के 1 मिलियन व्यूज 10 दिनों में आते थे, पर अब 3 से 4 दिनों में 2 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। टोटल गेमिंग के चैनल का ग्राफ फिर से अप हो रहा है, पर कैसे और क्यों? 2017 ये वो साल है जब फ्री फायर इंडिया में लॉन्च हुआ था। 2018 में अच्छी ग्रोथ नहीं मिली और 2019 में अच्छी खासी ग्रोथ मिली, पर असली ग्रोथ फ्री फायर की 2020 में लॉकडाउन के समय हुई थी। 2021 में ग्रोथ में ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। आगे क्या होने वाला था इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। 13 फरवरी 2022 को सब रोज की तरह मस्त गेम खेल रहे थे, इंक्लूडिंग मी। दिन में गेम खेलने के बाद शाम को सब लोग चैन की नींद सो जाते हैं, पर सुबह आंखें खुलती हैं तो देखने को मिलता है एप्स और गेम्स को जहां पे फ्री फायर भी शामिल है। एक और बड़ी गेम इस बार बैन कर दी गई है। हो चुका है कि फ्री फायर जो है बैन हो चुका है। बैन के लिए चिन्हित एप्स में फ्री फायर आदि शामिल है। प्लेयर्स ने गेम को छोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, प्लेयर्स फ्री फायर मैक्स में शिफ्ट हो गए। ऐसा नहीं है प्लेयर्स ने गेम नहीं छोड़ा, बैन होने के बाद जो ई स्पोर्ट के लिए खेलते थे उन्हीं ने इस गेम को क्विट किया, क्योंकि फ्री फायर बैन होने के बाद ई स्पोर्ट प्लेयर्स का कोई फ्यूचर नहीं था गेम में। फ्री फायर ने प्लेयर्स सबसे ज्यादा इसी साल में खोए, पर कब? इस कहानी में थोड़ा और आगे बढ़े तो आता है 21 दिसंबर 2022, जब फ्री फायर ने ओल्ड इलाइट पासेस रिटर्न दिए और इलाइट पास को हटाकर बोया पास गेम में लाया। अब जो ओल्ड प्लेयर्स थे उन्होंने बिना सोचे समझे गेम को अनइंस्टॉल कर दिया। अब जो भी ओल्ड प्लेयर्स बचे थे या तो वो यूट्यूबर्स थे या फिर उनके पास पुराने इलाइट पासेस नहीं थे, कि अब उनके पास कोई कारण नहीं बचा गेम को खेलने के लिए। फ्री फायर बैन हो गया, इलाइट पासेस वापस आ गए और रैंक पुश करना अब हार्ड नहीं रहा, और अब वो मजा नहीं आता है गेम में। इतना सब होने के बाद जहां टोटल गेमिंग के 2 मिलियन प्लस व्यूज आते थे हर वीडियो पर, अब तो 1 मिलियन व्यूज पहुंचने में भी बहुत मुश्किल लगती थी। ऐसा सेम दूसरे यूट्यूबर्स के साथ हुआ, जहां दूसरे यूट्यूबर्स गेम से हटकर कुछ और ही डाल रहे थे, पर टोटल गेमिंग ने गेम चेंज किया ना कि कंटेंट, और इसी वजह से टोटल गेमिंग को उसका बेनिफिट अब मिल रहा है। पर कैसे? अभी जल्दी में बहुत सारे हिंट्स मिल रहे हैं फ्री फायर अनबैन को लेकर, ये तो शायद तुम्हें पता होगा। तो ये न्यूज सुनने के बाद ऑलमोस्ट सारे फ्री फायर के यूट्यूबर्स गेम में एक्टिव हो गए, बट जहाँ टोटल गेमिंग के पुराने व्यूज वापस आ रहे थे, पर ऐसा दूसरे यूट्यूबर्स के साथ क्यों नहीं हुआ? इसका रीजन बहुत मजेदार है। जब ये क्रिएटर्स वापस आए तो ऑडियंस को ये सिग्नल गया कि जो क्रिएटर्स अपने आप को गेमर बताते हैं वो असल में गेमर है ही नहीं, इनको गेम खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस टाइम को टोटल गेमिंग को रियल गेमर का टैग मिला। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये चैनल डेड हो चुके हैं। ना तो अब इनके फ्री फायर वीडियोस पर व्यूज आएंगे, ना ही उस पर जो इन्होंने फ्री फायर बैन होने के बाद कंटेंट चुना था। टोटल गेमिंग यानी कि अच्छू भाई, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो फियर नॉट, आपका चैनल फिर से राइज होने वाला है।